दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के शराब नीति मामले में तलब करने के बाद से आम आदमी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उबाल देखने को मिल रहा है। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी नेताओं ने प्रदर्शन कर विरोध जताया है। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के समर्थन में धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। आम आदमी पार्टी आरोप लगाते हुए कह चुकी है कि बीजेपी साजिश कर रही है। सीएम केजरीवाल के सीबीआई से पूछताछ की पेशी को लेकर दिल्ली समेत हरियाणा के नेताओं ने भी दिल्ली से सटे जगहों पर प्रदर्शन किया है और हरियाणा आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने पीरागढ़ी चौक पर बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद उनको भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा आम आदमी पार्टी प्रभारी सुशील गुप्ता और आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफत करते हुए नारेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अंधेरिया मोड से दोनों नेताओं को हिरासत में ले लिया। आम आदमी पार्टी नेताओं के साथ में हजारों कार्यकर्ताओं को भी अलग अलग जगहों पर पुलिस ने हिरासत में लिया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ काफी रोष जाहिर किया। फिलहाल सीबीआई की कार्रवाई से आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है और सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।